नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष इन्फो टेक्निक्स की, यानी कि MPS की। आज 11 अगस्त है और आज ही इसके रिजल्ट्स आए हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो कैसे रिजल्ट्स आए हैं, क्या आए हैं, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि ये कब भागेगा, कब भाग सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये 40 से 60 पैसे की रेंज के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, एवरेज करने का समय आ गया है क्या, एवरेज कर ले और यहाँ से आपको मूव मिलने वाला है, तो सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एक्जैक्टली। या मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ, बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल डुबा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह और अपने वीडियोस के लिंक डालता हूँ, रिजल्ट्स वगैरह आते हैं जैसे ही मैं डाल देता हूँ फटाफट, ठीक है, जो भी न्यूज़ वगैरह आती हैं, क्योंकि कई बार तुरंत वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता और YouTube कई बार नोटिफिकेशन भी नहीं भेजता है। तो यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर मान लो कभी YouTube से नोटिफिकेशन मिस भी हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, 30 जून 2021, सारी वैल्यू लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, जो लैक्स में होंगी वो लैक्स में बता दूंगा, बाकी जो उससे ऊपर होंगी 100 लाख से ऊपर उसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए ये 30 जून 2022 पिछले साल का यही क्वार्टर है, ये इस साल का ये तो है ही, यही क्वार्टर और ये पिछला क्वार्टर है यानी कि मार्च वाला। तो यहाँ पर आप देखिए 14,77,000 थी पिछले साल 2022 में इसी क्वार्टर में, तो वहाँ से आप देखिए 10,74,000 बची है, तो यहाँ से आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो 1,14,00,000 की लगभग सेल थी, ये टोटल रेवेन्यू था, और वहाँ से आप मान के चलिए अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को फिलहाल मिल रहा है। वहीं हम लोग एक्सपेंसेस की बात करेंगे अगर, तो टोटल एक्सपेंसेस आप ये देखिए यहाँ पर लगभग 1,44,00,000 के यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस देखने को मिले थे पिछले साल इसी क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2,45,00,000 के एक्सपेंसेस देखने को मिले थे और यहाँ पर आप एक्सपेंसेस देखिए 1,05,00,000 के लगभग आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी एक्सपेंसेस कम हुए हैं और यहाँ से भी एक्सपेंसेस कम हुए हैं, इसी वजह से लॉस थोड़ा सा जो है नैरो हुआ है, कम हुआ है। बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1,13,00,000 का लॉस आया था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में भी आप देख पा रहे हैं 1,13,00,000 का लगभग लॉस आया था इसी पिछले क्वार्टर में, और अभी आप देख पा रहे हैं 83,44,000 का लॉस आया है। तो यहाँ से भी आप देखिए थोड़ा सा लॉस वो है कम हुआ है, यहाँ से भी आपको लॉस कम हुआ है, लेकिन कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है, आप तो ये फिलहाल जानते ही हैं, ठीक है। और देखिए कंपनी की अगर परफॉर्मेंस उसको ऊपर ले जा रही होती तो बात ही क्या थी, यहाँ तो आपको पता ही है कि कैसे ऑपरेटर्स एक्टिव वगैरह होते हैं, अभी हम देखेंगे आगे ऑपरेटर्स की लास्ट कब एक्टिव थे। मार्केट कैप देखिए कितना छोटा है, 162 करोड़ का है, तो ESM का तो खतरा मंडरा ही रहा है, आपको पता ही है ना। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ये सब तो देखिए कुछ है ही नहीं, सब माइनस में है, प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है, सारा पब्लिक का ही खेल है। डेट देखिए 20.3 करोड़ का है और डेट टू इक्विटी 0.05, तो आप इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं एक तरह से। और रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करती है कंपनी फिलहाल, लगभग 50 करोड़ के प्लस के रिजर्व्स हैं। तो और हाई और लो देखिए 35 पैसे के लो, 90 पैसे का इसने हाई लगाया है एक साल में, ठीक है। और ये लगभग मेरे पास, मैंने इसको 20 पैसे के आसपास लिया था, 40 पैसे पे मैंने अपनी कैपिटल निकाल ली थी और लगभग 63 पैसे बेच दिया था, मैं बता रहा हूँ 2 साल पहले की बात, लगभग 20 पैसे पे काफ़ी टाइम रहा है ये। तो हाँ ये देखिए लास्ट जो ये एक्टिव हुए थे ये टॉप गेन, ये देखिए सारे यहाँ पर आप देखिए 12 अगस्त 2022 को, उसके बाद से ये लोग नहीं दिखे, यानी परचेस किया था इन्होंने 80 पैसे पे लगभग, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी, ये लोग तो खरीदते बेचते हैं आप जानते ही हैं। तो उसके बाद से फिलहाल कोई भी नहीं दिखा, और जब तक इनकी एंट्री नहीं होगी, बल्क डीलिंग्स वगैरह नहीं होंगी, बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे नहीं, तब तक ये ऊपर जाएगा भी नहीं, आप मान के चलिए। रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पर डे टू डेट देखिए -27% एक वीक में जहाँ था वहीं है, एक महीने में जहाँ था वहीं है, 3 महीने माइनस, 6 महीने में माइनस, 1 साल में इसने आपकी कैपिटल को आधा कर दिया, 2 साल में 100% अभी भी है, यानी 40 पैसे पहले लगभग, तो यानी 2 साल पहले 20 पैसे पे था, और वही मैंने आपको बताया ना लगभग 2 साल पहले की बात में बता रहा था। तो और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 300% के रिटर्न दिए हुए हैं। वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट कर लेता है, 79 लाख का वॉल्यूम इसने आज जनरेट किया है। वहीं कल बात करेंगे तो कल भी इसने 79 लाख का लगभग जनरेट किया था, 1 वीक का एवरेज आपको 1 करोड़ दिख रहा है, 1 मंथ का एवरेज आपको 1 करोड़ देखने को मिल रहा है। डिलीवरी पर्सन की बात करेंगे तो लगभग 66% 1 वीक का एवरेज और 64% 1 मंथ का एवरेज है, और लगभग 58% कर उठाई गई थी डिलीवरी, आज भी लगभग 60% के आसपास मान के चलिए उठाई गई होगी। अब यहाँ पर समझते हैं करना क्या चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिया भागेगा कब, भागेगा तब जब ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियर कट की भैया 40 पैसे पे आता है और लगभग यहाँ से 40 से 60 पैसे की रेंज देखिए यहाँ पर बनी हुई है,
लगभग 2 बार यहाँ पर 35 पैसे पे आया था, लगभग यहाँ पर 35 पैसे पे आया था, उसके बाद फिर तुरंत ऊपर। तो यहाँ पर देखिए 35 पैसे पे तुरंत इमर्ज हो जाती है बाइंग। अगर आपको लेना है, देखिए पहली बात तो मेरी कोई सलाह नहीं है, ठीक है, नए लोगों से मेरी बिल्कुल सलाह कि इस तरह की स्टॉक से बचे रहिए, अपनी कैपिटल फंसा लेंगे। आपको लगता है कि हाँ भैया हमें इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, तो भैया 100, 200, 500 हज़ार रुपये लगा दीजिए, 1000 रुपये में भी अच्छे खासे शेयर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। और तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी भी जहाँ पर है ले सकते हैं, फिर आपको धैर्य रखना पड़ेगा भाई, कई बार क्या होता है सालों पड़ा रहता है, 20 से 40 पैसे के बीच में कोई सालों पड़ा रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी होंगी। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम पैसा लगाइए अगर लगाना है तो, जहाँ उठा सकते हैं 35 पैसे मिलता है तो भी उठा सकते हैं, और उतना ही पैसा मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि भैया लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने इसीलिए आपको पीछे बेसिक दिखा दिए कि किस तरीके से फंडामेंटल थोड़े से दिखा दिए मैंने, और रिजल्ट भी कोई ऐसे नहीं आए कि आप ये बिल्कुल भागने लग पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स की जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक फिलहाल इसमें मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और जिन्होंने ऊपर ऊपर ले रखा है गाइस, मेरी एवरेज करने के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है, इस तरह के स्टॉक्स में मैं किसी भी तरीके के लिए मना करता हूँ एवरेज करने के लिए। हाँ बस धैर्य अगर आपके अंदर है तो भैया थोड़ा सा थोड़ा बहुत पैसा अगर लगाना चाहें तो लगा दीजिए, और उसके बाद भूल जाइए, फिर पड़ा रहने दीजिए, कभी जाएगा या 1-2 रुपये 2 रुपये पे पहुँचेगा तो भैया बेच के निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ भाई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जनरली मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ सभी को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई सही रेशियड एनलिस्ट नहीं होगा, वीडियो प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए।